हाय एवरीवन, तो देखो अपन बात करेंगे रायमन टीमान रिएक्शन। रायमर भी बोल सकते हैं, रायमान एक ही बात है। रायमन टीमान रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास ट्वेल्थ के लिए भी ये रिएक्शन लिखने को आती है, या फिर उसमें ऑप्शन में जो रहते हैं ना, अभी आप किस टाइप की रिएक्शन लिखते हो उस टाइप में, तो यानी कि ट्वेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो आती रहती है ना। मतलब ऑर्गेनिक में जो 8 से 10 रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसमें सबसे पसंदीदा रिएक्शन है रायमन टीमान रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो उसमें किस कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, अपन इसमें पूरे बताते हैं। रायमन टीमान रिएक्शन आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए, इसके बारे में कई कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो अपन बात करेंगे, सबसे पहले तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ऐसे जो मतलब प्रोडक्ट ऐसे ऑप्शन बना बना के दे देगा, तो ऐसे बना के ऐसे प्रोडक्ट बना देगा और ये देगा, उसमें पूछेगा ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो ऑप्शन में आपको रायमन टीमान रिएक्शन ऐसे ऐसे पूछेगा, या फिर है ना एक ऐसे यहाँ ये बना के दे देगा और बीच में ऑप्शनल सब्जेक्ट में मतलब कैटलिस्ट उपा देगा। तो आपको पता होना चाहिए कैटलिस्ट क्या होता है, इसमें CaCl3+KOH है ना, यानी कि ये फिनॉल की रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, यानी कि कोई भी क्षार NaOH भी आ सकता है या KOH है ना। तो देखो क्लोरोफॉर्म, ये CaCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, के साथ KOH या NaOH की दोनों में से कोई भी आ सकता है। क्षार की रिएक्शन फिनॉल से कराने पर प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिलाल्डिहाइड, ठीक है, याद रखना। ये इसका प्रोडक्ट, इसका कैटलिस्ट याद रखना क्या यूज होता है, प्रोडक्ट याद रखना क्या बनता है। अब देखो वो थोड़े चालाई कर सकता है, तो कभी कैसे सैलिसिलाल्डिहाइड की जगह क्या बन देगा, और तो हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड यानी कि IPHC के नाम के बेसिस पे दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सैलिसिलाल्डिहाइड ही और तो हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड है, ठीक है ना, तो इसके नाम से भी याद रखना थोड़ा सा, है ना। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो रायमन रिएक्शन पूछेगा, या फिर ये छुपा देगा कैटलिस्ट पूछ लेगा। थर्ड टाइप में ये प्रोडक्ट का नाम ये थोड़ा चेंज कर सकता है, ठीक है, इतना ध्यान रखने के बाद इसमें फिर पूछता है। ये जो बहुत सारे टाइप के रिएक्शन होते हैं ENSR NAR, तो ये जो रिएक्शन होती है रायमन टीमान रिएक्शन, विच फॉलो टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये याद रखना इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कम्प्लीट होती है, ESR से कम्प्लीट होती है, ठीक है। एक ये टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं ना पॉजिटिव चार्ज वगैरह होता है, जैसे H+ वगैरह, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल पूछे तो ध्यान रखना इसमें एक कार्बन CCl2 इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कि अटैक ये करता है ना, तो याद रखना एक कार्बन CCl4 या CCl2 लिखा कार्बन के नाम से भी दे देगा, तो डाइक्लोरोकार्बन है, तो कार्बन के नाम से आपको पहचानना चाहिए कि रायमन टीमान रिएक्शन है। तो ये याद रखना, नेट पर पूछ भी लिया है इलेक्ट्रोफाइल CCl2, इसमें क्या है CCl2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, या ना ये याद रखना थोड़ा सा। और ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, CaCl3KOH के साथ रिएक्शन करके ये सब बनाता है CCl2। अब ये CCl2 क्या करता है, देखो CCl2 इज न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल टाइप का ना, तो न्यूट्रल टाइप अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूट्रल टाइप का है, ठीक है ना। अब ये याद रखना है फॉर्मड बाय अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो ये रायमन टीमान तो ESR से कम्प्लीट हो रही है, लेकिन जो कार्बन बनता है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल जो अपन बना रहे हैं, ये कैसे बनता है, ये रिएक्शन करके ये अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन से बनता है, ठीक है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक चीज़ आपको ना अच्छे से याद होनी चाहिए, रायमन टीमान को एक अलग पेज में लिख लेना, और अपन ने भी इसलिए अलग से वीडियो में बनाया है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने टाइप के क्वेश्चन तो ये बनेंगे, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है इसमें पर थोड़ा सा, और क्या क्वेश्चन पड़ता है कि इफ CCl4 यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना, यानी कि अपन यहाँ CaCl3 ले रहे थे ना, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन इसके साथ करा रहे थे, अगर मान लो इसकी जगह CCl4 ले लिया, तो इसमें प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, वही फिनॉल की रिएक्शन इसके साथ कराते, बस यहाँ चेंज करते हैं CaCl3 की जगह CCl4 ले लिया, तो इसमें क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड। तो ये लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। रायमन टीमान में जितनी भी रिएक्शन जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसको अलग पेज में लिख सकते हैं, और ये आप यहाँ देख ही लिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है ना। अभी इसको आप अलग कॉपी में लिख कर 2-3 बार रिविजन करके इसमें एक एक चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए क्या क्या है, ठीक है ना। तो नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, थैंक यू।